पटना से एक गुरु बहन है जिन्होंने पूछा है कि शिव गुरु चर्चा के बिना, जैसा कि अभी लोगों को लगता है कि बंद कर दिया गया है, तो शिव गुरु चर्चा के बिना मन व्याकुल है, व्यथित है, तीन सूत्र का पालन नहीं हो पा रहा है, तो कैसे करें? चर्चा के बिना मन व्यथित, बाह्य परिवेश ऐसा है कि हमको आपको चर्चा की अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे आप पर ही शारीरिक खतरा है। तीन सूत्र में दूसरा सूत्र है चर्चा करना। चर्चा का मानी क्या होता है, अर्थ क्या होता है? शिव गुरु चर्चा का प्रयोजन है कि दूसरे आपकी शिव चर्चा से शिव की ओर बढ़ें, शिव को अपना गुरु माने, उनका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, शांति उनको मिले, ये प्रयोजन है शिव चर्चा का। लेकिन तीन सूत्रों में दो सूत्र और भी हैं भाई साहब। पहला सूत्र है कि अपने गुरु शिव से दया मांगिए, दया की याचना करिए, मन उस दया की स्थिति में जाए। और तीसरा सूत्र है अपने गुरु को प्रणाम करिए। आपने शिष्यानुभूति मेरी पतली सी पुस्तक है उसको पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि शिव शिष्यता के लिए अनिवार्य एक ही चीज है, वो है अस्थाई शिष्य भाव। यानी शिव हमारे गुरु हैं, शिव मेरे गुरु हैं, यह भाव खंडित नहीं हो। जैसे आज तिथि खंडित हो गई, नवमी में दसवीं घुस आई, कभी कभी चतुर्दशी में अमावस्या घुस आती है। अस्थाई शिष्य भाव चाहिए, यानी मैं शिव का शिष्य हूं तो हूं, इसमें कोई भी संशय, कोई भी दो बातें नहीं होंगी। शिव मेरे गुरु हैं तो हैं। अगर अस्थाई शिष्य भाव है तो अस्थाई मन नमन की स्थिति में जाएगा, अस्थाई रूप से जाएगा, अस्थाई रूप से मन शिव से दया की याचना में जाएगा। बोलने या करने जैसा कुछ भी नहीं, मन तो नहीं लग रहा है। इसीलिए कि चर्चा करते थे तो भीड़ होती थी, भीड़ में बोल रहे हैं हम तो थोड़ा मजा आता था, अच्छा लगता था कि इतने लोग बेवकूफ़ बैठे हैं मेरे सामने, हम ज़्यादा होशियार हैं इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। दूसरे प्रयोजन भी हो सकते हैं। एक आदमी का प्रयोजन हो सकता है कि लोगों को सुना रहा वो कि शिव की चर्चा सुन के ये लोग शिव की ओर चलेंगे, शिव इनके गुरु होंगे, शिव से जुड़ेगा इनका मन, तो कम से कम शैतानियत से तो बचेगा। और कुछ की मनसा होगी कि भीड़ है, इतने लोग मेरे हैं तो कुछ लौकिक जगत मिल ही जाएगा, सम्मान मिल ही जाएगा, सुविधाएं मिल ही जाएंगी, अन्य काम भी धरती के हो ही जाएंगे। तो ऐसे लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही, जिनका जगत छूट रहा है चर्चा के बिना, जागतिक सुख सुविधाएं कम हो रही हैं चर्चा के बिना, उनको तो दर्द होगा भैया कि कुछ मिल नहीं रहा है, ना सम्मान मिल रहा है, ना सुविधा मिल रही है, ना पैसे मिल रहे हैं, ये क्या हो रहा है। शोर तो वही लोग ज़्यादा करेंगे। मैं शिव का शिष्य हूँ और मैंने ही पूरी दुनिया में शिव चर्चा तीनों सूत्र की बात को लाया। ठीक है, मुझको किसने सिखाया, महादेव मेरे गुरु ने सिखलाया, यह बात छोड़ दीजिए, मैं ही प्रत्यक्ष रूप से दिखता हूँ। मेरे मन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 6-7 महीने से शिव गुरु की चर्चा मेरे द्वारा बंद है, मेरी शिष्यता का क्या होगा, कभी नहीं आया मेरे मन। क्योंकि शिव मेरे गुरु हैं, चर्चा हो या नहीं हो क्या अंतर आता, महादेव मेरे गुरु हैं, जब मौका मिलेगा तो लोगों को शिव की ओर प्रेरित करेंगे। अगर शिव चर्चा बंद होने से आपकी शिव शिष्यता खंडित हो रही है, आपकी शिव शिष्यता कमजोर हो रही है, तो लानत है ऐसे शिव शिष्यों पर, ऐसे शिव शिष्यों को शिव शिष्यता छोड़ देनी चाहिए, यह मेरी राय। नेक्स्ट। बनारस से एक शिव शिष्य हैं, उन्होंने कहा है कि शिव शिष्य बहुत दिनों से नमक शिवाय कर रहे हैं, कुछ लोग मना करने पर भी करोड़ों कर चुके हैं, तब भी उन्हें शांति नहीं है और परेशानियों की शिकायत करते हैं, क्यों?
परम शांत की पूजा करके भी इतनी अशांति क्यों है? मैंने इतने दिन से नमन शिवाय करते हैं, करोड़ों कर चुके हैं जी। अच्छा अच्छा, तो परम शांत की पूजा करके अशांति, इतनी अशांति क्यों है जी? तभी हम लोगों को शांति नहीं मिली बोलते हैं। पहले तो नमः शिवाय आपने करोड़ों कर लिया, जैसा प्रश्न आया है, करोड़ों कर लिया। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्हें अरबों नमः शिवाय किए और मेरे साथ रहे हैं वो लोग जिन्होंने अरबों नमः शिवाय किए हैं। 24 घंटे यही काम ही करता था वो, और उसके बाद मैंने देखा उस आदमी को कि आदमी नहीं रह गया था। उसका व्यवहार बहुत अहंकारी हो गया था। अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किए तो वो इडियट हो गया था। अव्यवहारिक हो चुका था, किसी से ठीक से बात नहीं करता था। तो अभी तो आपने कहा कि नमः शिवाय करके भी परेशानियां आए, इतने नमः शिवाय किया। एक आदमी तो मैंने देखा है कि नमः शिवाय करके सबको डांटते चलता था, मर गया वो आदमी, नहीं है धरती पर, लेकिन मैंने देखा है। क्यों ऐसा हुआ? नमः शिवाय का अर्थ है शिव को प्रणाम, शिव को नमन। उस सर्वोच्च सत्ता को आप प्रणाम निवेदित कर रहे हैं, झुक रहे हैं आप। ये नमः शिवाय करके तन कैसे गए आप? कहीं जरूर गड़बड़ी है, और भीषण गड़बड़ी है। सामान्य आदमी भी बेकार हो गया नमः शिवाय करके। इसीलिए कि नमः शिवाय में दो स्थितियां होती हैं। एक नमः शिवाय का अर्थ, अर्थ में जो भाव छिपा है वो, जैसे नमः शिवाय का अर्थ है शिव को नमन, शिव को प्रणाम। इसमें भाव क्या छिपा है? मन आपका झुकेगा भाई साहब, प्रणाम करिएगा किसी को तो मन झुकेगा। बिना झुके भी प्रणाम होता है, खूब होता है। हम लोग लाचारी में धरती पर बहुतों को प्रणाम करते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि साल कहां से बैठा गया, आज खाना नहीं मिलेगा। ऐसे भी प्रणाम होते हैं औपचारिक, लेकिन शिव को तो औपचारिक प्रणाम नहीं चलेंगे। वहां तो मन को प्रणाम की स्थिति में जाना होगा। नमः शिवाय का अर्थ, अर्थ और चैतन्य, मंत्र में दो चीजें होती हैं। तो नमः शिवाय का अर्थ तो क्लियर है, बहुत हल्का, हल्की सी संस्कृत है, नमः शिवाय शिव को प्रणाम। लेकिन इसका अर्थ है शिव को प्रणाम, उसके में भाव क्या है? रोड पर चल रहा है, कका गोल लगत नहीं, अब मन मन सोच रहे साला ककवा कहां से बेटा गया, आज तो नस्तो नहीं मिलेगा। वाह, ये प्रणाम प्रणाम नहीं है। तो नमः शिवाय में शिव को प्रणाम करने का भाव छिपा है, शिव को नमन करने की स्थिति छिपी है। मन जब शिव को प्रणाम करेगा तो ये झुकना सीखेगा, विनीत होगा। कहा जाता है अकड़ और अहंकार दो चीजें न भक्ति मार्ग में चलती हैं न शिष्यता में चलती हैं। अकड़ और अहंकार से बचना होगा, और चैतन्य, मंत्र में चैतन्य होता है। ये शिव क्या है? जब ये समझ में आएगा कि ये शिव क्या है, ये गुरु की दया से ही होता है। मंत्र का देवता ही, गुरु ही समझाता है और मंत्र में चैतन्य डालता है। उसमें जो ज्ञान है उस मंत्र में, उसको डालता है शिष्य में। जब मंत्र में अर्थ और ज्ञान दोनों आएगा, क्या बात करते हैं, एक मन है नमः शिवाय आपको शिव बना देगा। करिए तो सही, ये करोड़ों का है ना कर रहे हैं। हमने कहा ना कि एक माला नमः शिवाय करिए, एक एक दाने पर शिव को प्रणाम करिए। तो हम तो लोग तो गिनती करते हैं, 108 हो गया। माला में तो 108 दाने दिए ही हुए हैं, उसको गिनती क्या करनी? और सांसों पर करिएगा तो सांसों की माला पे तो गिनती का सवाल ही नहीं, और आपकी सांसें भी फिक्स्ड है,
हर एक आदमी को तय है कि कितनी सांसें लेगा ये धरती पर। तो नमः शिवाय में अर्थ और चैतन्य, अर्थ तो आप समझ सकते हैं लेकिन चैतन्य के लिए गुरु की दया जरूरी है, उस मंत्र के देवता की दया जरूरी है। वो जब मिलेगी तो एक बार का नमः शिवाय आपको शिव के रास्ते में उठा के रख देगा। एक बार का नमः शिवाय, कहा ही जाता है कि एक बार आपने शिव को प्रणाम कर लिया, निश्चल प्रणाम कर लिया, फिर प्रणाम की जरूरत नहीं है, फिर तो मन परमानेंट अस्थायी रूप से शिव भाव में चला जाएगा। आपने करोड़ों किए हैं, हुआ क्या, नमः शिवाय तो किया आपने, बस करते गए ना, अर्थ समझा उसका ठीक से न, मंत्रों का अर्थ दिमाग में आया, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अर्थ जानते हुए भी आप माला पर आपका ध्यान है, और मन धीरे धीरे समझने लगा कि हम तो 1,00,000, 2,00,000, 1,00,00,000 नमः शिवाय कर दिए, साला सामने वाला क्या बोलेगा हमसे, और अहंकार आपको छाया। अहंकार किसको, किसी को भी छाएगा तो धरती पर उसके संबंध बिगड़ेंगे, अध्यात्म में तो पूरी तरह बिगड़ जाएंगे। इसलिए याद रखिए भाई साहब, शिव शिष्यता में या भक्ति में अकड़ और अहंकार इसको हटाइए, इसके जब तक ये नहीं हटेगा तब तक आपका नमः शिवाय फलदायी नहीं होगा, वैसे धरती के छोटे मोटे काम हो जाए। नेक्स्ट, आरा से शिव शिष्य हैं, आपने कहा आओ चलें शिव की ओर, अब तो चल भी रहे हैं फिर भी परिणाम नहीं है, कष्ट बहुत है, मन भागता रहता है, आखिर क्यों है? जब भी जीवात्मा, जब भी कोई इस धरती पर योनिगत होता है, आता है, वो पेड़ हो, जीव हो, इंसान हो, देवता हो, भगवान हो, जब भी वो योनिगत होगा, पैदा होगा इस धरती पर, तब तो धरती के नियम लगेंगे, उसे सुख भी मिलेगा, उसे दुख भी मिलेगा, और आनंद तो मिलता है मात्र शिव की ओर चलने से, उस ईश्वर की ओर चलने से। जब दुख मिलेगा तो याद रखिए सुख भी मिलेगा, जब सुख मिलेगा तो याद रखिए दुख भी मिलेगा, लेकिन जब आनंद मिलेगा तो उसका उल्टा होता ही नहीं है। इसीलिए ईश्वर को कहा जाता है सच्चिदानंद, शिव को कहा जाता है वो ईश्वर है, महेश्वर है, आनंद वही है, उन्हीं के रास्ते में है, उन्हीं की दया पर है। तो आओ चलें शिव की ओर, किसी ने कहा, अरे भैया जिस दर्द से कहा वो दर्द समझ में आया कि शब्द पकड़ा गए, जिसने भी ये कहा कि आओ चलें शिव की ओर, उसके भीतर दर्द था, एक पुकार थी वो शिव की ओर चलने की, कि उसके पास भाव थे और उस समय उसके पास दूसरा कोई भाव नहीं था, भीतर से उसने आवाज दी आओ चलें शिव की ओर। हम लोगों के तो वो शब्द हैं, आओ चलें शिव की ओर, हे नवा, वही हो गया हे नवा, आओ चलें शिव की ओर। जिसने कहा उसके भीतर दर्द था, एक क्या कहिएगा, उसमें पीड़ा थी, और इसी दर्द के तहत उसने आवाज दी आओ चलें शिव की ओर। अगर उस दर्द से आप चलते हैं, उस दर्द के पीछे चलते हैं, तो कोई पीड़ा नहीं होगी, पीड़ा तो होती ही रहती है, पीड़ा तो मन झेलता है। पुआल पर सोने वाले को डलना पर सुला दीजिए, रात भर नींद नहीं आएगी, डलना पर सोने वाले को पुआल पर सुला दीजिए, रात भर नींद नहीं आएगी, ये तो मन की स्थिति है। सुख दुख यहाँ कुछ है नहीं, ये सभी घटनाएं हैं, यहाँ तो कोई दुर्घटना होती नहीं है जगत में, सब फिक्स्ड है, यहाँ सभी इंसिडेंट हैं, एक्सीडेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, हाँ वो बोलचाल में हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट, जी मधेपुरा से शिशु से हैं, उन्होंने पूछा है कि आपके द्वारा लिखित एक किताब जो आने वाली है आओ चले शिव की ओर, वो हम लोगों को कब तक मिलेगी, प्रतीक्षा में है लोग? ज़्यादा उम्मीद है शिवरात्रि को उसका विमोचन होगा, लेकिन इस किताब से क्या हो जाएगा, किताबों की कमी है क्या इस देश में? आओ चलें शिव की ओर किताब लिख देने से कोई शिव की ओर चलता है? किताबों में तो बातें लिखी हैं, उन बातों को समझ के लिखने वाले किसे मिलिए जिसने कहा कि आओ चलें शिव की ओर, दर्द वहां है, किताबों में दर्द नहीं मिलेगा,
आपके कठोर भाव, आपके भीतरी भाव शब्द नहीं दे सकते। कोई रो रहा है दर्द से, शब्द में कितना हूं बोलेगा, वो स्थिति दूसरे की नहीं होगी, तो किताब लिख देने से क्या हो जाएगा। हाँ, लौकिक रूप से पूछेगा तो चेष्टा है कि महाशिवरात्रि में 2021 में इसको निकाल दिया जाए। इसीलिए कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, जाने वाला हूं, तो जो समझा मैंने लिख दिया, लेकिन लिख देने से क्या हो जाएगा, आपके पढ़ लेने से क्या हो जाएगा। अरे पढ़ के उसको जीवन में उतारना होगा, एक ही लाइन तो बहुत है, आओ चले शिव की ओर, उसके बाद कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, चलिए शिव की ओर। ड्रामेबाजी थोड़ी है आध्यात्म, यहां तो नौटंकी चलती नहीं है, हमको आपको चलना चाहिए, दिल से चलना चाहिए शिव की ओर। फिर किसी किताब की जरूरत नहीं, किसी साधन की जरूरत नहीं, किसी तीन सूत्र की जरूरत नहीं है, चलिए तो सही। नेक्स्ट। एक बहुत पुराने गुरु भाई राजीव नगर पटना से हैं, बिहार से, उन्होंने कुछ अपनी जो उनके मन में चल रहा है उसको भेजा है कि शिव शिष्यता की यात्रा में आपके छांव तले प्रेम को सीखने, समझने और देखने का सौभाग्य मिला। किसी से भी घृणा का भाव समाप्त प्राय हुआ, परंतु 25 साल के उपरांत स्वयं से प्रेम नहीं होने का भाव परेशान करता है। कहीं इस यात्रा में हम डिसऑनेस्ट तो नहीं हो रहे, आप बता सकते हैं, या जीवन की दुश्वारियां ऐसे भाव को जन्म दे रही हैं। आपके और शिव के प्रति मन को ईमानदार समझता हूँ, फिर भी क्या मैं समान स्थिति में नहीं हूँ। वो जीवन की दुश्वारियां जो है ना, जीवन के तंज जो है ना, जीवन की परेशानियां जो है ना, उनको इस मन स्थिति में ले आई। परेशानियां आती रहती हैं भाई साहब, किसी घर में चलिएगा तो ऊंचा नीचा आपको मिलेगा, अच्छी सड़कें मिलेंगी तो खराब सड़कें भी जीवन में मिलती हैं। सवारियों को ठीक कीजिए, खराब सड़कों से निकल हम अब जाएंगे। मैंने कई बार कहा है कि जब खराब सड़क मिले तो अच्छी गाड़ी कर लीजिए, अच्छी सवारी कर लीजिए, तो झटका कम लगेगा, दर्द कम होगा और शिव की सवारी से। लेकिन शिव की सवारी शरीर नहीं कर सकता है, शिव की सवारी जब करेगा तो मन करेगा। मन ही न शैतान होता है, मन ही न शिव होता है। एक आदमी घायल है और वो बेहोश हो गया है, कोई दर्द नहीं। एक बार मैं कुर्सी पर बैठा था यहीं रांची में, अचानक मैं बेहोश हो गया, इतना मजा आया मुझको, इतना मजा आया कि मत पूछिए, मुझको कुछ भी याद नहीं कौन क्या कर। जब होश में आया तब देखा कि लोग सामने हैं और सब परेशान है, मुझको इतना मजा आया, वो जो एक मिनट का समय था कुछ भी मुझको पता नहीं चला, हाथ जब कुर्सी से नीचे गिर गए, गर्दन लुढ़क गई, मैं मर गया, बड़ा मजा आया। यानी मन ही न पकड़ेगा इसको कि कोई दर्द है कोई सुख है। मन जब शिव की ओर चलेगा तो ये झटका कम लेगा और परेशानियां कम होंगी। जहां तक अपने से प्रेम करने का सवाल है, भाई ने लिखा है कि अपने से प्रेम नहीं हो रहा है, भैया अपने से काहेला प्रेम कर रहे हो, शिव से प्रेम करो ना, अपना खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या हैं। आदमी को शिव से प्रेम करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए और थोड़ा बढ़िया से नमः शिवाय करिए, शिव को प्रणाम करने की कोशिश करिए। नमः शिवाय कोई दूसरा अर्थ नहीं है। अगर शिव को मन ही मन प्रणाम करते हैं आप, शिव को मन प्रणाम करने की स्थिति में जाता है तो नमः शिवाय की भी जरूरत नहीं है। इस साल नहीं जाता है मन, इसीलिए हम लोग कहते हैं नमः शिवाय करिए। नमः शिवाय तो आपको प्रणाम की स्थिति में ले जाता। बहुत पावरफुल मंत्र है, उससे ज्यादा पावरफुल कोई मंत्र ही संसार में नहीं है, क्योंकि शिव से पावरफुल कोई है ही नहीं संसार में, इसलिए उनका नाम मंत्र सबसे पावरफुल। इसको किया जाए। एक भाई हैं औरंगाबाद बिहार से, उन्होंने लिखा है कि शिव शिष्य होने की मनोदशा में जब लोग आते थे, लंबे समय तक ये संवाद संप्रेषित किया जाता था कि जागा जागा महादेव के उद्घोष के साथ अंतरिक्ष को प्रेषित किया जाता था, और जो आपकी शिष्यानुभूति में लिखा भी है कि यह प्रेषण
वायुमंडल में ध्वनि के संप्रेषण का भाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जीव आत्माओं को सूचित करने के विज्ञान पर आधारित है। तो इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जीवात्मा किसके लिए कहा गया? प्रत्यक्ष तो हो गए आदमी, प्रत्यक्ष या सब कुछ जो दिख रहा है सब प्रत्यक्ष है। कोरोना भाई सब दिख रहा है, COVID-19 का कीड़ा दिख रहा है, और क्या जुलूम ढाया हुआ है सो देख लीजिए। त्रस्त है लोग, विश्व त्रस्त है, देश परेशान है, कोरोना तो दिख नहीं रहा। ऐसे असंख्य जीव हैं, जीव तो है वो, तभी उसके एक्शन है, तभी फेफड़ा को फुटबॉल की तरह कड़ा कर देता है ना जीव। तो कहा गया कि दृश्य अदृश्य दोनों जगत की जीवात्माओं के लिए यह संप्रेषण कि किसी ने शिव को अपना गुरु माना है काम करता है, इसीलिए संप्रेषण दिया हुआ है। अब तो घोषणा को भी बहुत महत्वपूर्ण हम नहीं मान रहे हैं, क्योंकि घोषणा कर देने से क्या हो जाएगा? घोषणा तो हम लोग बहुत चीज़ की करते हैं, तो ये घोषणा कर देने से किसी ने शिव को गुरु माना है वो शिवसी से नहीं होगा। शिवसी से जब हो जाएगा तब ये घोषणा चरितार्थ होगी, सार्थक होगी। ऐसे घोषणा का कोई अर्थ नहीं। हाँ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो जीवात्माएं हैं उसको सूचना चली जाती है। जब हम आप समझते हैं कि साला करा के भी साला शिव को गुरु नहीं मानेगा, ड्रामा कर रहा है, तो और लोग भी तो यही समझते हैं। चलिए भाई, अंतिम ही है। अच्छा अच्छा, एक गुजरात से एक है गुरु भाइयों और गुरुवानों की तरफ से कि साहब से, चूंकि अभी कोरोना काल में लंबे समय से आपसे लोग मिल नहीं पा रहे हैं, तो ये उनका है कि साहब से कुछ महीने मिल नहीं पाए तो मन में बहुत घबराता है, लगता है कुछ खो गया है। ऐसी स्थिति क्यों हो गई है हम लोग? अभी तो टेम्पोररी नहीं मिल रहे हैं भाई साहब, अस्थायी रूप से आप नहीं मिल रहे हैं, 6 महीने हुआ, 7 महीने हुआ नहीं मिल रहे। वो तो कोरोना की संक्रांति कह लीजिए है। अस्थाई भी स्थिति आने वाली है भाई साहब, और मैंने कभी नहीं कहा कि आप मुझसे जुड़े। मैंने शिव गुरु की बात शुरू की थी 1980 में, शिव गुरु से जुड़ने की बात की है, शिव का शिष्य बनने की बात की है, आज भी वही करता हूं, और मरने तक आप मेरी आवाज यही सुनेंगे कि शिव से जुड़े। और शिव परमानेंट है, अस्थाई है। शिव नहीं है तो शक्ति नहीं है, और शक्ति नहीं है तो जगत ही नहीं, हम आप ही नहीं। हमने शिव से जुड़ने की बात कही है, अपने से जुड़ने की बात नहीं कही है। और हमसे जुड़ के क्या करेंगे आप? जैसे आप अदना सा इंसान, हम भी अदना सा इंसान, दोनों तो एक ही हैं भाई साहब। लेकिन आइए मिल के चलते हैं शिव की ओर, जब तक चल सकते हैं, और नहीं चल सकेंगे तो अपने गुरु शिव से दया की याचना करेंगे। क्यों नहीं, बनाया उसी ने है, गुरु भी वही है, और गुरु का क्या मानी है जब उसके शिष्य ही नहीं हो, धरती पर आए ही नहीं। ऐसे गुरु को रहने नहीं रहने से क्या फायदा? वो बुलाता है, हम कहते ही हैं कि हम एक कदम चलेंगे, वो 100 कदम चलता है। लेकिन शुरुआत तो हमको आपको ही करनी होगी, दवा तो हमको आपको ही खानी होगी, पॉकेट में और 3 सूत्र को लेकर ढोने में शिव से न जुड़ पाएंगे हम लोग। सबको मेरा प्रणाम।